जड़ से काले बाल, वो भी सिर्फ हल्दी की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, ये जो हल्दी आप देख रहे हैं ये आपके बालों को जड़ से काला कर देगी। ना कोई केमिकल की जरूरत, ना कोई कंपाउंड की जरूरत। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है भला, बिना किसी रंग के, बिना किसी काली मेहंदी के या फिर बिना किसी केमिकल के ये हल्दी कैसे बालों को काला कर देगी। तो आपने एकदम सही सुना है, आपको आज घर बैठे बैठे ये हल्दी आपके बाल काले करने में आपकी मदद करेगी, या फिर मैं कहूँगा बालों को अच्छे से काला कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है विकास जी को झारखंड से और उषा जी को बिहार से। आप देख सकते हैं ये जो हल्दी है कितना अच्छे से भुनी जा रही है। धीरे धीरे ये जो पीली हल्दी है वो काले रंग में बदलती नज़र आएगी, डार्क होती चली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये हल्दी कैसे भला डार्क हो रही है। जब भी हम गैस पे, तवे पे, कढ़ाई में, पैन में, किसी भी चीज़ में हल्दी को सेकते हैं तो हल्दी पीले से काली होने में ज़्यादा समय नहीं लगाती। मात्र 5 मिनट में ये हल्दी अच्छे से काली होती नज़र आएगी। आप धुआं देख सकते होंगे कि कितना कड़क बना रहा है ये हल्दी को और कितना अच्छे से पका रहा है हल्दी को। हल्दी जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे वैसे इसका रंग डार्क होता चला जाएगा। अब आपके सामने हल्दी पीले से ब्राउन कलर की तो हो चुकी है, बस आप 2 मिनट और इंतज़ार कीजिए, ये हल्दी आपको पूरी भरपूर काली नज़र आने लगेगी। ये राख की तरह हो जाएगी, कोयले की राख जिस तरीके से काली होती है कुछ उस तरीके से काली होती चली जाएगी। बस फिर क्या है, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ना फिर कोई केमिकल की ज़रूरत, ना कोई मेहंदी लाने की ज़रूरत। बस आराम से इस हल्दी को हमने और भून लिया है। अब ये डार्क ब्राउन से धीरे धीरे धीरे, बस 1 मिनट और हम भूलेंगे तो ये काले में बदल जाएगी। आप चलाते रहें या फिर इसको सिम पे पका पका के धीरे धीरे भी चला सकते हैं, जैसे आपका मन करे। ये देखिए, ये हो गई ना दोस्तों और काली। बस अब ये मुझे लगता है 30 सेकंड और लेगी और ये एकदम डार्क ब्लैक हो जाएगी। हमें ये इतनी ब्लैक कर देनी है कि ये एकदम काली डार्क मेहंदी की तरह नज़र आनी चाहिए। देख सकते हैं आप कि कितनी काली हो चुकी है। बस अब वो समय आ चुका है कि इसको 10 सेकंड और सेक के मैं गैस को बंद कर दूं। तो मैं फटाफट से अब अपने गैस को बंद करूंगा इसको सेकने के बाद। और इतने आप भी देख लीजिए कि जो आपकी हल्दी है एकदम काली हो चुकी हो, एकदम ब्लैक हो चुकी हो, तभी आपके लिए जो टिप है काम की होगी। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे अब इसके गैस को बंद कर रहे हैं। ये गैस हुआ बंद और अब हम इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। 4-5 मिनट में ठंडी हो जाती है। बस ठंडी होने के बाद हमें क्या करना है, इसको एक थाली में निकाल लेना है। सबसे पहले आप इसको ठंडे होने के बाद देखिए, इसमें हल्के हल्के अगर तवा गर्म रहता है ना ये पैन, तो इसमें कोयले तक तरीके के भी बनते हैं कुछ ऐसे। इसका मतलब अभी तक ये सिक ही रही है, अभी और भी काली हो रही है, क्योंकि ये हमारा जो पैन था वो गर्म था और वो हल्दी को और गर्माश दे रहा था। तो 2 मिनट और इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए पैन। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे खाली प्लेट और हम ले लेंगे साथ ही में एक छलनी, और छलनी की मदद से ये छलनी के ऊपर डाल लेंगे और छलनी से हमारी एकदम जो फाइन हल्दी है काली हुई हुई वो फाइन हल्दी निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से हमें एकदम फाइन हल्दी मिल जाएगी। बस आप इसको हिला लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, 2-3 सामान्य चीज़ें आपको इसमें मिलानी है। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें आप बादाम का तेल डाल सकते हैं, आपको जो चीज़ पसंद हो इसमें वो मिला सकते हैं। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी ये अलग करके सीखी हुई हल्दी इसमें मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ बादाम का तेल। आप चाहें तो एलोवेरा डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। आप देखेंगे या तो आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये गाढ़ी गाढ़ी पेस्ट मिल जाएगा, या फिर आप इसमें हल्का पानी या फिर एलोवेरा डाल के इसको हल्का सा पतला कर सकते हैं। तो फिलहाल ये तो हमारा अभी गाढ़ा वाला तैयार हो चुका है मिश्रण, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पतला वाला भी आपको करके दिखाते हैं। जितना पतला होता जाएगा उतना आसान हो जाता है लगाना, लेकिन फिर उतना रंग थोड़ा कम चढ़ता है। अभी तो अभी भी डार्क ही है ये, उंगलियों से दिखाते हैं तो ये अभी भी गाढ़ा है, और अगर इसमें मैं थोड़ा सा एलोवेरा मिलाऊंगा तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। कुछ इस तरीके का हमें मिलाने के बाद एलोवेरा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दोनों में से आप कोई भी मिश्रण ले लीजिए, जितना गाढ़ा रखेंगे उतना बढ़िया है। और ये एकदम गाढ़ी आपकी तैयार है हल्दी की मेहंदी। आशा करता हूँ ये आपके बहुत काम आएगी। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं नहाने से 2-3 घंटे पहले। देखिए सफ़ेद बाल थे और बस हल्का सा हमने इस पे लगाई ये हल्दी वाली मेहंदी और बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिल गए दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी टिप।
ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और दुनिया के कोने से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।